हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल सतपुतिया की सब्जी की रेसिपी लेकर आई हूँ। सतपुतिया को तुरई भी कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सतपुतिया की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम सतपुतिया को अच्छे से धो लेंगे। सतपुतिया गुच्छे में लगती हैं, इसीलिए इसे सतपुतिया कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस तरीके से इसे छील लेंगे। सतपुतिया खाने के ढेर सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि ये घाव भरने में भी मदद करता है, पेट साफ करने में, भूख लगाने में, हृदय को ठीक रखता है और पेट से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं, अगर सतपुतिया का आप सेवन करते हैं तो उससे भी ठीक हो जाता है। तो इसलिए सतपुतिया का सेवन आप ज़रूर करें। तो आप देख सकते हैं, सतपुतिया को मैंने अच्छे से छील कर धो लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे हम इस तरीके से कट कर लेते हैं। आप अपनी मनपसंद के किसी भी शेप में इसे कट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने सारे सतपुतिया को अच्छे से कट कर लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं सतपुतिया की सब्जी बनाने के लिए हमें किन किन सामग्री की ज़रूरत है। तो यहाँ पे लिया मैंने सतपुतिया, इसको मैं सरसों के तेल में बनाऊंगी। आप अपनी मनपसंद के किसी भी कुकिंग ऑयल में इसे बना सकते हैं। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे लिया है थोड़ी सी मेथी और दो सूखी लाल मिर्च। हरी मिर्च और लहसुन को मैंने बारीक कट कर लिया है। फ्रेंड्स, मिर्च की मात्रा आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसके साथ ही मैंने थोड़ी सी हल्दी और स्वाद के अनुसार नमक लिया है और बारीक कटा हुआ हरा धनिया लिया है। तो चलते हैं हम गैस की तरफ। इधर मैंने कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लिया है। इसमें डालेंगे एक बड़े चम्मच के करीब सरसों का तेल। तेल अच्छे से गर्म होते इसमें डालेंगे ये मेथी और सूखी लाल मिर्च। मेथी का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए तब हम इसमें डालेंगे लहसुन और हरी मिर्च और इसे थोड़ी देर हम भून लेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इधर लहसुन और हरी मिर्च का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया, तब हम इसमें डालेंगे सतपुतिया और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सतपुतिया अच्छे से मिक्स होने के बाद इसमें डालेंगे हल्दी और स्वाद के अनुसार नमक। इसे भी हम इसके साथ ही अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, पूरे प्रोसेस में गैस का फ्लेम लो टू मीडियम पे रखना है। हल्दी नमक अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे ढक देना है 5 मिनट के लिए और बीच बीच में चेक करते रहना है, चलाते रहना है। सब्जी को पकते हुए लगभग 5 मिनट हो गए हैं, तो चलिए चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, सब्जी बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। धनिया अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे 1 मिनट के लिए हम इस तरीके से ढक के पकाएंगे ताकि जो धनिया का फ्लेवर है अच्छे से सब्जी में मिक्स हो जाए। अब हम फ्रेंड्स गैस को ऑफ कर देंगे और आप देख सकते हैं ये जो सतपुतिया की सब्जी है कितनी बढ़िया से बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए इसे हम गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं सतपुतिया की सब्जी बहुत ही कम समय में मैंने बनाया है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो फ्रेंड्स, आपको सतपुतिया की सब्जी की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ फ्रेंड्स, सतपुतिया को अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये सतपुतिया की सब्ज़ी की रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में, ताकि फ्रेंड्स मेरा मनोबल बढ़े और कोशिश करूँ मैं ऐसी यूनिक, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।